नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर सलखन्नी गांव में बीते 8 जुलाई को फाइनेंस कर्मी से हुई लूट की घटना का दलसिंहसराय SDPO विवेक कुमार शर्मा ने सफल उद्भेदन करते हुए घटना को कारित करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी बदमाशों की पहचान सरारंजन थाना क्षेत्र के मधुबन गांव निवासी विनोद कुमार राय के 22 वर्षीय पुत्र रंजित कुमार राय तथा अनिल राय के 20 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार, दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के सोया गांव निवासी बिंदेश्वर राम के पुत्र लाल बाबू राम, असिंचक गांव निवासी रमेश पासवान के 25 वर्षीय पुत्र राम इकबाल पासवान व उजियारपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी अमरेश महतो के 20 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई है। उक्त जानकारी SDPO दलसिंहसराय विवेक कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर दिया। प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दलसिंहसराय बाजार में संचालित निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर सलखन्नी गांव से समूह की राशि वसूल कर वापस दलसिंहसराय शाखा आ रहे थे। इसी दौरान सलखन्नी गांव में ही बुनियादी स्कूल के पास सुनसान जगह पर 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में अज्ञात बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी के बाइक को ओवरटेक कर रोक दिया तथा कनपट्टी में कटा सटाकर फाइनेंस कर्मी के बैग में रखे करीब 25,000 रुपए तथा बाइक लूट लिया, जिसके बाद फाइनेंस कर्मी के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के आदेश पर व उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। इसी बीच प्राप्त मानवीय आसूचना व तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में शामिल सभी बदमाशों की पहचान कर ली गई तथा छापामारी कर घटना में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए बनी टीम में दलसिंहसराय थानाध्यक्ष राकेश रंजन व अपर थानाध्यक्ष दलसिंहसराय पुष्पलता सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दिनांक 8/7 को मुख्तियारपुर सलखन्नी में L&T फाइनेंस के एक कर्मी के द्वारा पैसे ले जाने के क्रम में 25,000 रुपए की लूट कर ली गई थी और साथ ही साथ उसका बाइक भी जो है वो छीन लिया गया। जब उन लोगों ने कांड का अनुसंधान FIR करते हुए कांड का अनुसंधान जारी किया तो उसमें पाया कि अनुसंधान के क्रम में कुछ लोग पकड़ाए, उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें 2 बाइक पे 6 लोग थे। कुछ लोग रेकी कर रहे थे, कुछ के आगे उसके खड़े थे और कुछ जो थे वो पीछे से उन लोगों को देख रहे थे। तो इन 6 का सत्यापन किया गया और 6 के क्रम में हम लोगों ने लगातार रेड छापामारी की है। रेड छापामारी में हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इस गिरफ्तारी में जो घटना में प्रयुक्त बाइक था वो हमें मिल गया है, साथ ही साथ जिस व्यक्ति का जो वादी था उसका जो बाइक लिया था इन लोगों ने वो भी प्राप्त हो गया है। और दूसरी बात, जिस कट्टे को लेकर के इन लोगों ने उसको दिखाया था जिसके आधार पर लूट की गई थी, वो कट्टा भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है।